नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये GPNL के सैम्पल पेपर के लिए बनाया है मैंने। तो देखिए, जो उन्होंने जो सैम्पल पेपर दिया था उसके बेस पे बना के दिखाया मैंने ये, ठीक है। तो इसमें मैंने 10 GK के डाले हैं और बाकी के सब पांच पांच क्वेश्चन डाले हैं ताकि सैम्पल के तौर पर। ये देखिए, ये करंट GK का क्वेश्चन है, 13 मई 2018 था वाला, ठीक है। ये जो रेड किया हुआ है इसका आंसर है, इससे आप अंदाज़ा एग्जामिन कर सकते हो कि कितना क्या मतलब किस बेस पे होगा, ठीक है। इसमें मैंने राजनीति भी डाली है, जनरल साइंस भी डाली है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में टाइप एरर हो, बाकी डेटा सारा सही है, ठीक है। ये देखिए, मतलब किसी शब्द में गलत लिखा हो सकता है, ये नहीं है कि आपको आंसर गलत बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, साइंस के आ गए हैं, दो तीन साइंस के भी डाले मैंने। तो लेवल ये रहेगा, ठीक है, पेपर का। हालांकि क्वेश्चंस की ज़्यादा आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ आपको लेवल दिखाने के लिए इस लेवल का पेपर आएगा। ये पॉलिटिक्स है आपकी, ये इंग्लिश है, इंग्लिश जीके, ओ सॉरी इंग्लिश, हिंदी और मैथ रीजनिंग, इनके मैंने पांच पांच क्वेश्चन ही डाले हैं। और जो ये इंग्लिश वगैरह है ये मैंने IBPS के पेपर से ही लिया हुआ है, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि IBPS किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि IBPS के ऑलमोस्ट हर पेपर में इंग्लिश होती है, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये रीजनिंग आपका, रीजनिंग में उन्होंने जो डेटा दे रखा है, ठीक है, कुछ ही सिलेबस में से कुछ ही पार्ट दे रखे हैं, सब्जेक्ट मतलब जो पूरा रीजनिंग है उसमें से कुछ ही बता रखा है उन्होंने, तो वही पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब आप सिलेबस को एक बार देखिए, पूरा रीजनिंग नहीं है उसमें। ठीक है, सबके आंसर्स नीचे हैं। अब आप हिंदी देखिए, एक बुक आती है हिंदी की 9th से 12th तक की, ठीक है, NCERT की, वो बुक रीड कीजिए आप, दो चार दिन में ख़त्म हो जाएगी वो, तो वो रीड कीजिए, उससे आपको 90% फ़ायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। 90% बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ज़्यादा बेसिक चाहिए तो 10th की ग्रामर भी ले लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों स्टैंडर्ड 10th के ही हैं। तो ये आपका पेपर था, ठीक है। तो ये सिर्फ डेमो के लिए था, सैम्पल पेपर है। अगर इसमें से बाई चांस कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बने रहिए आंसर की एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।